दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैडम, बात हो पाएगी हकीम साहब से? बिल्कुल बात जी, कीजिए। बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार गुरु जी। हाँ, जय हिंद, आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है भाई। दोनों, एक तो ये सेफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक तो गुरु जी, ये आज उस दिन जो सवाल किया था ना नमक के बारे में, वही उसमें मैं वो समझ नहीं पाया कौन सा नमक लेना है, काला नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है या डेले वाला लेना है, एक आयोडीन वाला, चार वैरायटी है, इसमें कौन सा नमक सही रहेगा जी। और एक सवाल ये था गुरु जी, वो मम्मी जी के बारे में पूछा था मैंने आपको, वो जो गर्भाशय के बारे में पूछा था। हाँ, एक वो है, वो समझ नहीं पाया था, मैं लिख नहीं पाया था, आपने क्या बताया था गुरु जी। अरे गुरु अच्छा, जी, ये है कि जैसे छाछ है, जैसे आप बताते हो ना ये सिरका बनाना होता है, तो इसमें हम छाछ और तांबा मिला सकते हैं, जैसे और जिस चीज का भी हमें बनाना हो, जैसे पौधे पे डालते हैं तो उसमें छाछ और तांबा मिला देते हैं तो बहुत खट्टा हो जाता है, उसको स्प्रे करते हैं फिर उससे सारे कीड़े वगैरह सब मर जाते हैं, तो ठीक एलोवेरा के उसमें ये मिला सकते हैं, जैसे सिरका बनाना होता है आप बताते हो, बन उसको बाल्टी में रख देते हैं, क्या ठीक है ये मिला ठीक सकते हैं, ये सवाल है गुरु जी। और एक ये है कि ये गुलाब जल और फिटकरी का आपने कल जो बताया था नुस्खा शाम को जो बताया था, एक इसके बारे में पूछा है गुरु जी। ठीक है। अच्छा देखिए, तांबा नहीं मिला सकते सिरके में, तांबा नहीं मिला सकते, वो बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है। और तांबा दरअसल जहरीला होता है। इसको बस किसी भी एसिड में, यानी ना नमक डाल सकते हैं इसमें, ना कुछ और ऐसा एसिड, तांबा उससे रिएक्ट करके जो लिक्विड बनाता है वो जहरीला होता है। तो तांबा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। और क्या पूछा है, नमक के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, नमक की आदत तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नमक नहीं बताया। मैं हमेशा नमक जैतून की सिफारिश करता हूँ। नमक जैतून आप लिख लें, नमक जैतून असली लें। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है, देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है। एक चुटकी दिन में एक बार या दो बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, माता जी को लेके सवाल था, गर्भाशय उनका बाहर आ गया था। हाँ, तो उनके लिए मैंने बताया था, मुझे याद है कि गौन चिलगोजा, चिलगोजे का गौन। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो जितने दुनिया में ड्राई फ्रूट हैं उनमें सबसे महंगा आता है, और उसका गौन उससे भी महंगा आता है, लेकिन 10-20 रुपए रोज़ की दवा से ज़्यादा नहीं होता है। बस एक चुटकी गौन चिलगोजा उन्हें खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया करें। आपकी माता जी के लिए ये नुस्खा। जी, अंबाला से हैं गुरु नाम सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार जय हिंद जी, बताइए क्या सवाल है। सर, मैं आपका लैब प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, ये मेरे को ना प्रॉब्लम थी, पहले बीपी डाउन होना और ये टेम्परेचर डाउन होना और प्रेशर सेल डाउन होते हैं सर, अभी और क्या हाल आइए है? अभी सर मैं पहले एल प्लस खाया आपके पास से, अभी सर मेरे को चेंज करके दवाई ना, मेरे को ये दवाई दवाई एचकेयर भेजी मेरे पास सर, गौन सुइया खा रहा हूँ, जैतून का सिरका पी रहा हूँ मैं सर, अभी सर कुछ कुछ महीने बाद फिर अपने आप का बीपी लो हो जाता है मेरा, कितने दिन से ले रहे हैं ये चीज़ें? ये सर देखो 3 मिनट 4 मिनट सोचा मेरे घर चार 5 मिनट आ गया था मेरे पास एचकेयर का। 3 दिन 4 दिन हुए हैं, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, यूनानी दवा आपने शुरू कर दी है, 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है बेशतर, लेकिन 3-4 महीने लेनी पड़ती है। तो अभी आपने शुरू की है, इसे इस्तेमाल करें। गौन से आधा आधा ग्राम खाएं, और ये सिरका जो आपके पास है ये 2 या 3 3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो सर देखिए अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, आपने विश्वास के साथ वो नुस्खे अपना रहे हैं जो आपने हकीम साहब से सुने थे, लेकिन
तो उम्मीद करेंगे सर आप अच्छे से सारे नुस्खे अपनाएंगे, अच्छे से एक एक बात का ख्याल रखेंगे, और जब आप नेक्स्ट हमारे कार्यक्रम में कॉल करेंगे तो ज़रूर ये बताएंगे, यानी कि फीडबैक कॉल के ज़रिए बताएंगे कि आपको कितना प्रतिशत लाभ मिला है। दर्शकों देखिए, आपको ज़रा सा भी अगर फ़र्क लगता है अपनी बीमारी में, राहत में, जैसे कि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन आपको कहीं भी गुंजाइश नज़र नहीं आती है, अगर आप नुस्खे अपना रहे हैं और आपको हल्का सा भी राहत महसूस कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कोई भी बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली है। आपको यहाँ पे कोई सालों साल का इलाज नहीं बताया जाता है, सिर्फ आपको वक्त देना होता है, थोड़ा सा वो वक्त जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकता है। आपके घर का किचन आपका दवाखाना है, कैसे आपको उस किचन का इस्तेमाल करना है, यानी वहाँ जो मसाले हैं उन्हीं से तो नुस्खे बनाए जाते हैं, बस वो छोटी छोटी एक चीज़ है जो आप जानते हैं हकीम साहब से, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा या फिर फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। वीडियो क्लिप भी आप कार्यक्रम की बना सकते हैं जिससे बार बार आप हर एक बात को समझ सके, दोबारा से सुन सके। इसी के साथ अगली कॉलर है अर्शी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी आपका सवाल। असल में मुझे दो तीन लाइफ पेशेंट के बारे में मालूम करनी है, तो आप कॉल जल्दी मत कट कीजिएगा। जी जी, तो मैं मेरी उम्र 22 है एंड मुझे नाक की प्रॉब्लम रहती है, लाइक ये कुछ सालों से है, लाइक 5-6 साल हो गए हैं। पहले तो धूल में जाती थी तो मुझे एलर्जी हो जाती थी, लाइक छींकें आने लगती थी, लेकिन अब क्या हो गया है बोलते तो अब तो बहुत ही हल्बे जल्दी धूल में नहीं भी जाती हूँ तो भी ये नाक में ऊपर कुछ हल्का सा लगता है, जैसे कि अब मैं कुछ कुछ कर रही हूँ नाक में, या जैसे कि अब मैं टीवी कर रही हूँ तो एकदम आके छींकें आने लगती है, वैसे ही मुझे नाक में ऊपर हल्का सा लगती है और आंखों में से पानी रेड हो जाती है आंखें और एकदम छींकें आने लगती हैं, और नाक में से पानी बहुत जा रहा है आजकल, बहुत पानी जाता है, मेरी आंखें लाल और मेरा जो नोज में बहुत ज्यादा हाथ जाता है, बहुत पानी जाते जाते और एकदम ऐसे हो जाता है, और फिर एकदम ही फिर ठीक भी हो जाता है, वैसे लगता है कुछ है ही नहीं और एकदम एलर्जी बढ़ जाती है। तो अभी मैंने दवा ली है हकीम साहब की, जो जिसका नाम है माजून आरपीएस, तो वो मैं खा रही थी, मुझे 6 से 7 दिन हुए हैं वो खाते खाते, तो अब थोड़ा फायदा है, लेकिन ये नाक में अभी लाइक दवा खाने से पहले ही थोड़ा सा कट से होने लगी थी, 3-4 दिन पहले कट हो गए थे, एक आध दाना निकल आया था तो तकलीफ थी, लेकिन अब थोड़े ज्यादा बढ़ गए, लाइक नाक में दर्द है और दाने आ गए हैं थोड़े से, एक दो एक दो, तो उसमें दर्द रह रहा है जरा, तो आप उसका जरा बता दीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल। दादी है वो आपको। जी वाले इस्लाम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक ड्रोन किया बाजार से खरीदा था, तो ये मेरा दादी जब सवाल नहीं पहुंचा, सवाल पूरा नहीं पहुंच रहा, और मैम थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए, मैम गौन सिया का इस्तेमाल कर रही हैं आप? जी गौन सिया, गौन सिया पिसने के बाद जम जाता है, पिसने के बाद जम जाता है? हाँ पिसने के बाद भी जम जाता है गौन सिया। अच्छा ठीक है जी। हाँ देखिए, अगर मॉइस्चर लेगा तो जम सकता है, अगर बगैर मॉइस्चर के जम रहा है तो गलत है, और जम जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा कर ले, असली होना चाहिए और आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है। और कोई सवाल है तो बताइए। और यही होता है। कब से ले रहे हैं आप भी? 2-3 दिन से ले रहे हैं क्या? ठीक है। अच्छा ये आप आधा आधा ग्राम 2 बार खा सकते हैं खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से, गौन से या जिसकी आप बात कर रहे हैं, और 2-3 महीने खाएंगे तो दर्द में इफाका होना मुमकिन है। और बिटिया जो इस्तेमाल कर रही है वो उनको फ़ायदा शुरू हो गया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अक्सर हम जब एलोपैथिक दवा खाते हैं तो फ़ायदा होते ही छोड़ देते हैं, इसको आपको हर सूरत में 4-5 महीने खाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत मुदाफियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हिंदी में कहते हैं
इम्यूनिटी बढ़ जाए। जो आपको रोग है वो कम इम्यूनिटी का है, इसको ज़रूरत के मुताबिक आने में थोड़ा वक्त लगता है। गर्म पानी से लें, और कोई और भी बीमारी अगर हो जाए तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। कहीं दाने निकल जाएँ उसका इलाज कर सकते हैं, कहीं आपको एलर्जी हो उसका इलाज कर सकते हैं, बुखार आए बुखार की दवा लें, इसे आप 4-5 महीने खाएं। और अगर आप मुझसे चाह रहे हैं ये इलाज, तो मैं चाहूँगा कि आप एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें, तो ये दाने निकलना भी बंद हो सकते हैं जी। अगले कॉलर हैं रविशंकर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। मैडम नमस्ते भाईजान, सलाम वालेकुम जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। भाईजान मैं रविशंकर मिश्रा बोल रहा हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी जी, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है भाईजान। मैं आपसे 2019 से जुड़ा हुआ हूँ आपकी कंपनी से, और आपके प्रोडक्ट को देखते रहता हूँ, आपके जो बताते रहते हैं नुस्खे वो नुस्खे भी देखते रहता हूँ भाईजान, और लोगों को वो नुस्खे भी बताता हूँ, और आपके कंपनी से दवा बुला करके भी देता हूँ। इसमें हमारी जो बहन रेखा है 36 नंबर, उनके माध्यम से बुला के मैं बहुत से लखनऊ वालों को सुधार चुका। आपकी जैतून का सिरका है, काला गोंद है, सिया गोंद है, ऐसी जो चीज लगती है वो चीज बुलाकर देते रहता हूँ भाईजान। कितने लोगों को फायदा पहुंचाया होगा आपने? कम से कम भाईजान 10 से 12 आदमी ठीक होके हो गए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों की सेवा की। अपना नंबर लिखवाना, फ़ोन काटना नहीं, ये हमारे मीडिया कर्मी आपका नंबर लिखेंगे बात होने के बाद, काटिए नहीं। तो हमारे मीडिया कर्मी आपसे संपर्क करेंगे, आपका इंटरव्यू और सब कुछ इन्हें चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और बताइए क्या सेवा? बढ़िया सर, कोई एक प्रॉब्लम थी आपको, एक मेरे को शुगर तो है मेरे को, और मैंने इनसे बुलवाया था गोंद जामुन का, जो आपका मैंने प्रोडक्ट देखा तो इनने मेरे को नमक सिया रंजन भेज दिया। हाँ ये सर, जी जी जी, सिया रंजन भेज दिया साहब सर, तो उसको कैसा करना है बता दीजिए आप। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, नमक शिवरंजनी और नमक जैतून और नमक कलौंजी, ये तीनों चीज़ें एक सा काम करती है। जहाँ नमक जैतून की ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इसे एक चुटकी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी वही सलाहियतें रखता है जो नमक जैतून और नमक कलौंजी में है। मऊ से हैं उमा पांडे जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्कार जी। हाँ, सर नमस्ते। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपकी वो जैतून का सिरका 6 महीने से पी रही हूँ, और मुझे शुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर 140 के आसपास है, और मतलब मुझे कमजोरी बहुत लग रही है उससे मुझे। अब मतलब 6-7 महीने हो गए पीते हुए, पर मतलब ऐसा लगता है कि सुबह उठने की इच्छा नहीं होगी, थकान बहुत रहती है, और कमजोरी मतलब जैसे कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा हो गया। बाकी मेरी सब चीजें नॉर्मल है, कोई कुछ मतलब ना शुगर बढ़ी ना बीपी बढ़ा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये सब सही है सर, और मतलब मुझे बस कमजोरी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है सर। ठीक, ये जैतून का सिरका तो मैं पी रही हूँ लगातार सर, बंद भी नहीं करा, और इंजेक्शन वगैरह भी मेरा छूट गया है, गोलियां कम हो गई हैं पहले से, तो सर ये कुछ उपाय बताइए आप ऐसा कि मुझसे कमजोरी ना लगे मुझे। जी ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आप ये कर सकते हैं कि अगर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम ये पीते हैं, तो रात के वक्त 3 चम्मच या 4 चम्मच पी लिया करें, दिन में ना लिया करें। तो एक तो ये तरीका है, क्योंकि डायबिटीज़ पूरी तरह तो अच्छी होती नहीं, कंट्रोल ही होती है, और आप ये सिरका ले रहे हैं तो फिर आपको एक तो कमज़ोरी नहीं लगेगी, और शुगर को ये निकालता है, तो दिन में अगर ये निकाले तो आदमी कभी कभी ऐसा महसूस करता है,
और फिर ताकत के लिए आप वो भी ले सकते हैं, अलसी आधा चम्मच और आधा ग्राम गौंसिया पूरे दिन में एक बार ले लिया करें, पानी के साथ या कम चर्बी के दूध के साथ। तो ये नसों में और जोड़ों में और हड्डियों में ताकत भरता है और फिर आदमी बहुत एक्टिव रहने लगता है। तो ये भी आप साथ में कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं और आपकी इंजेक्शन भी छूट गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, गोलियां भी कम हो गई। लेकिन आपको लेनी होंगी हमेशा, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसको लेते रहें और मेरी दुआ है आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें जी।